Yo, what's up, people? It's your boy Super Khalsa here, the best wrestler, but with bad attitude. So, इस वीडियो की शुरुआत मैंने चाइना का फ्लैग जला के की है. So, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि आज की ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है. आज की इस वीडियो में हम चाइना को ठोकने वाले हैं. मैंने अपनी पास्ट वीडियोस में पाकिस्तान हो गया या इंडिया के खिलाफ बोलने वाले जितने भी लोग थे सभी को ठोका था, लेकिन अब बारी है चाइना की, क्योंकि चाइना अपनी औकात से बाहर जा रहा है. और इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो कि हमारी सरकार से होंगे, उनसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि हमारा राइट बनता है, हम सरकार से कुछ भी पूछ सकते हैं. और इस वीडियो में मैं कुछ सजेशंस भी दूंगा, और इन क्वेश्चंस और इन सजेशंस के ऊपर आप लोगों की भी मुझे सलाह चाहिए कि आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करें, मैं आप सभी के कमेंट रीड करूंगा. सो ज़्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और चाइना को ठोकना शुरू करते हैं. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक इंटरनेशनल रेसलर हूँ, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ. सो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मेरा किसी भी पॉलिटिक पार्टी से या पॉलिटिक्स से कोई भी लिंक नहीं है. मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है. मैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मेरा पॉलिटिक्स से बिल्कुल भी दूर दूर का कोई भी लिंक नहीं है. तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे देश की सरकार से है, और वो ये है, जब चाइना के फौजी हमारे देश में एंटर हुए, उन्होंने लड़ाई की शुरुआत की, रोटे डंडे चले वहाँ पे और हमारे 20 फौजियों को शहीद कर दिया गया. एक भी अगर इंडिया का फौजी शहीद होता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ पे 20 फौजियों को शहीद कर दिया गया. हालांकि हमने उनके 40 से भी ज़्यादा फौजियों को मार दिया, लेकिन फिर भी कुछ फौजी चाइना के कैसे वापस चले गए? जब वो हमारे देश में एंटर कर चुके थे तो उनका एक भी फौजी वापस नहीं जाना चाहिए था. सो क्यों वापस गए? उसके पीछे कारण था कि हमारे जो फौजियों के पास, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, शायद ऐसा हो सकता है कि उनके पास हथियार नहीं थे. क्योंकि जब उनको रोकने गए, अगर उनके पास हथियार होते और इतने बड़े लेवल की लड़ाई हो चुकी थी, 20 फौजियों को शहीद कर दिया गया था, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे गोली चलानी लाजमी बनती थी. हमारे देश के फौजियों को गोली चलानी चाहिए थी, और चाइना का एक भी बंदा बच के नहीं जाना चाहिए था. सो बच के गए हैं. सो मेरे हिसाब से इसके पीछे में शायद फौज को शायद रोका भी गया हो सकता है कि आप गोली नहीं चलानी है बिना ऑर्डर के, ये वो. सो मेरे हिसाब से ऐसा कोई लॉ पास किया जाए कि आने वाले सिचुएशन में अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो हमारे देश के फौजियों को पूरा पूरा राइट होना चाहिए, पूरा पूरा ऑर्डर होना चाहिए कि एक भी फौजी चाइना का वापस नहीं जाना चाहिए अगर वो इस लेवल की हरकत दोबारा फिर से करते हैं. सो मेरे हिसाब से उनको ऐसा ऑर्डर मिलना चाहिए कि अगर कोई एंटर करता है तो सीधा शूट का ऑर्डर होना चाहिए, उनको गोली मार के वहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए. और दूसरा पॉइंट, मेरी एक सजेशन है हमारे देश की गवर्नमेंट को और सभी लोगों को भाई. सो सबसे पहले ये एक आवाज उठाई जा रही है कि चाइना के जो गैजेट्स हो गए या चाइना का जो सामान है उसका बहिष्कार किया जाए, उसको अवॉइड किया जाए, बॉयकॉट किया जाए चाइना के सामान का. सो उसी के चलते मैंने गुस्से में अपना मोबाइल तोड़ दिया है, अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं आपको स्क्रीन भी उसकी दिखा देता हूँ, ऑन करके फ़ोन चल रहा है और इसकी स्क्रीन मैंने तोड़ दी है और मैं इसको चलाना भी नहीं चाहता अभी फ़ोन को. तो अभी ये चाइनीज कंपनी का मोबाइल है भाई, शोमी का मोबाइल है ये, और अब मैं बाय करने वाला हूँ अपने इंडियन किसी प्रोडक्ट का मोबाइल. सो क्या कारण है कि हम लोग चाइना के प्रोडक्ट को नहीं छोड़ पा रहे? तो उसका रीज़न ये है कि चाइना ने जो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे ये शाओमी के मोबाइल्स थे, और भी कंपनी है, वीवो होगी, ओप्पो होगी, ये मोबाइल्स बहुत सस्ते उन्होंने लॉन्च किए थे. तो अगर इंडिया में मोबाइल बनता है तो वो इस रेट पे थोड़ा मुश्किल होगा उनको देना मोबाइल. सो मेरी हमारे देश की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो टैक्स है, जो हमारे इंडियन प्रोडक्शन होती है, मैंने उस पर रिसर्च किया, जो टैक्स की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है. इसी वजह से जो हमारे इंडिया में प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें थोड़ा सा, जैसे वो सामान थोड़ा महंगा होता है. तो मेरी हमारे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि इंडिया के प्रोडक्ट को यूज़ करो, उनको प्रमोट करो, सो आप लोगों को जो टैक्स है वो कम करना चाहिए, और जितनी भी प्रोडक्शन होगी हमारे देश में वो अगर चाइना के जो सामान आता है उसके बराबर रेट होगा या उससे कम होगा, तो मेरे हिसाब से कोई भी आने वाले टाइम में चाइना का कोई भी प्रोडक्ट नहीं बाय करने वाला. सो मेरी ये सजेशन है और मेरी ये रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि जो टैक्स है उसको कम किया
दिया जाए कि, और मैंने तो ऑलरेडी अपने मोबाइल को तोड़ दिया है, अब नया मोबाइल लूंगा किसी इंडियन कंपनी का और मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे बढ़िया मोबाइल मिले और जो मेरा जो स्टेप है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहे। और आप लोग भी चाइना के सामान को बिल्कुल बॉयकॉट करें और बिल्कुल इस चीज़ को बदल दें। सो फाइनली अभी बढ़ते हैं लास्ट स्टेप के ऊपर और वो ये है कि जब पाकिस्तान जैसा देश या कोई और देश हमारे देश के ऊपर अटैक करता है, नॉर्मली पाकिस्तान ही ऐसी छोटी हरकतें करता है, बॉर्डर पे फायरिंग करना या कुछ ऐसी हरकतें जो आपने पास में देखी होगी, बहुत सारी उसने की है पाकिस्तान ने। सो हमने हमेशा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, अगर वो गोली चलाता है गोली का जवाब गोली से दिया गया है। और अभी जो पुलवामा अटैक हुआ था तो उसका बहुत ही कम टाइम में हमने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। सो मेरा अभी ये क्वेश्चन है कि अगर हम पाकिस्तान जैसा देश अगर कुछ करता है तो हम उसको उसी टाइम बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ही मुंह तोड़ जवाब देते हैं, बहुत बड़े लेवल का जवाब देते हैं, मतलब कि पाकिस्तान के लोग कांपना शुरू हो जाते हैं हम उनको ऐसा रिप्लाई करते हैं, हमारे देश की इंडियन आर्मी ऐसा रिप्लाई करती है। तो अब चाइना के साथ जब ये हुआ है तो क्यों हम इसको मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग्स ही चल रही हैं, न्यूज़ में दिख रहा है कि दोनों देश की सेना के जो हेड हैं वो आपस में मीटिंग कर रहे हैं, इस लेवल की मीटिंग हो रही है, उस लेवल की मीटिंग हो रही है, देश में मीटिंग शुरू हो गई हैं, तो क्यों हम वो स्टेप नहीं उठा रहे? आपको इस चीज़ का सभी को पता है कि हमारे देश की जो आर्मी है दुनिया की टॉप 5 आर्मी में गिनी जाती है। सो इतनी ज़बरदस्त आर्मी होने के बावजूद भी हम पाकिस्तान को जो हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं, क्यों अभी टाइम लग रहा है कि चाइना को वो जवाब नहीं दिया जा रहा? सो मेरे हिसाब से बातचीत बंद कर देनी चाहिए। मैं हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं हमारे देश की फौज के साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। सो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि मीटिंग्स को छोड़ के अभी एक्शन लेने का टाइम है और पूरा देश हमारे फौज और हमारे प्रधानमंत्री के साथ है। सो मेरे हिसाब से हमें ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि आने वाले टाइम पे चाइना के लोग इंडिया का नाम लेने से भी डरे। सो मेरे हिसाब से ऐसा एक्शन लेना बनता है और मीटिंग्स को छोड़ देना चाहिए। अभी जो हाल हम पाकिस्तान का करते हैं और करते आए हैं वही हाल अब चाइना का करने का टाइम है। सो अगर आप लोग मेरे पॉइंट से सहमत हैं, सो अगर आप लोग नहीं भी सहमत हैं तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, आप अपना सजेशन मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को जो मैंने पॉइंट्स उठाए हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों की भी राय मुझे मिल सके और जो मेरी आने वाली अगली वीडियो होगी मैं उसको और बढ़िया तरीके से पेश कर सकूं, कुछ और मुद्दों के बारे में बात कर सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो हमारे कोई ऑफिशियल भी देख रहे होंगे, मिलिट्री के ऑफिशियल हो गए या हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद और जो मैंने पॉइंट्स के बारे में बात की है वो उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि मीटिंग्स जो होंगी वो बंद होगी और एक्शन शुरू होगा।